Assalamualaikum and welcome to Zaions.com. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. पेजेस को क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग पेजेस को एडिट करना या एग्जिस्टिंग पेजेस को डिलीट करना. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे और उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे. आप देख सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है वो पेजेस का है. आप उस पर क्लिक कर देंगे. यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के एग्जिस्टिंग पेजेस को देख सकते हैं. पेजेस क्या चीज़ है? वेबसाइट वर्डप्रेस में दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं. एक तो पोस्ट का है ना. पोस्ट का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि ये आप अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो पोस्ट ही आपके लिए बेस्ट है. आप बस अपनी हर एक न्यूज़ की एक पोस्ट बना लें और उसको उसकी रिलेटिव कैटेगरीज में और टैग्स उसके ऐड कर दें तो आपकी वेबसाइट अच्छी चलती रहेगी. पेजेस किस तरह की? अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें आप कोई उसका एक चाहेंगे कि यहाँ पे एक बैनर हो, साथ में नीचे उसका अबाउट अस आ रहा हो, इस तरह मतलब एक कंप्लीट उसका आप पेज सा बनाना चाहेंगे, लेआउट बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए पेजेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. आप इस पेजेस पर आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे अब ऐड टाइटल, यहाँ पे जो भी आपका पेज का टाइटल, जैसे हमारा हम कह लेते हैं कि होम पेज है हमारा जो जहाँ पे यूज़र लैंड करेगा. उसके बाद अगर इसका कोई पेरेंट है, पेरेंट ये वही जो कैटेगरीज का रिलेशन था ना, मतलब जो कैटेगरीज पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी, ये पेजेस का भी सेम रिलेशन है कि अगर इसका कोई पेरेंट पेज है जो अगर तो ये पेज उसके बाद मेन्यू में आ रहा होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट है. क्योंकि होम पेज आपका पेरेंट पेज होता है तो हम इसको कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे. साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है. तो जारी बात है आप अपना जो पेज बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें चाहते हैं कि अच्छी सी एक लेआउट बने, तो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लेआउट को उस हद तक अचीव नहीं कर सकते. तो उसका सबसे पहले हम इसको पब्लिश कर लेंगे. तो उसका हल ये है कि आप कोई पेज बिल्डर यूज़ कर लें. वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा पेज बिल्डर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, या आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेज बिल्डर फ्री और पेड ऑनलाइन मिल जाएंगे. जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा पेज बिल्डर्स यूज़ करके दिखाऊंगा. जो मतलब जैसे ये एलिमेंटर हो गया, उसके अलावा जो आजकल जो फेमस पेज बिल्डर्स हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगा सारे पेज बिल्डर्स यूज़ करके. WPBakery ये आजकल बहुत फेमस पेज बिल्डर है. उसके अलावा देवी पेज बिल्डर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है. उसके अलावा अवादा का जो है फिशन बिल्डर, ये चार पांच बिल्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है. तो मैं इस कोर्स में आपको ये चारों पांचों यूज़ करके दिखाऊंगा ताकि अगर आपको किसी के साथ भी काम करना पड़े तो आपको कोई टेंशन ना हो. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर से. तो जाते हैं ऐड न्यू पे. प्लगइन्स, ये जो भी मैंने पेज बिल्डर आपको कहे हैं ना, ये सारे प्लगइन्स ही हैं. मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं. तो सारी बात है हम जो पेज बना रहे हैं तो ये फंक्शनैलिटी है कि हम उसको एक अच्छी लुक के साथ बनाना चाह रहे हैं. तो हम यहाँ पे आके एलिमेंटर को सर्च करेंगे. आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर को सर्च किया और पहला ही, और आप इसके इंस्टॉल्स भी देख सकते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा अभी तक इसके ना एक्टिव इंस्टॉलेशन है. आप इसको क्लिक कर दें. एलिमेंटर काफ़ी अच्छा पेज बिल्डर है और इसकी जो अच्छी बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा ना इसकी और भी प्लगइन्स हैं जो इसमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी, ये खुद तो एक फंक्शनैलिटी का बंडल है ही है, इसके लिए और बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हैं. ये आप देख सकते हैं सेंशल एड ऑन्स, हम इनको भी यूज़ करके देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. आप किसी भी प्लगइन को ऐड करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि वो हमें दे क्या रहा है. तो आप ये मोर डिटेल इस बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो उस बटन ये एक पॉपअप विंडो पॉपअप हो जाती है. इसमें उस प्लगइन की ना सारा कुछ बताया होता है कि ये प्लगइन अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको क्या क्या चीज़ें. आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या 100 रेडी ब्लॉक्स, मतलब अगर मैं ये प्लगइन यूज़ कर लूँगा ना तो मुझे 100 रेडी ब्लॉक्स मिल जाएंगे. अब 100 रेडी ब्लॉक्स कौन से हो सकते हैं, आप उसको और पढ़ लेंगे तो ये बता देगा. ये पोस्ट ग्रेड का ब्लॉग, ये मतलब ये काफ़ी अच्छा है. तो चलिए हम अभी इसको भी साथ इंस्टॉल कर लीजिए. उसके बाद ये आप देख सकते हैं एलिमेंटर हेडर, मतलब बहुत ही ज़्यादा एलिमेंटर का आपका देख सकते हैं ये पेज पूरा भर ही गया एलिमेंटर, और ये सारे एलिमेंटर की एक्सटेंशन हैं. हम इसको एक्टिव कर लेंगे एलिमेंटर को. जारी बात है ये जो एक्सटेंशन है तभी काम करेंगे जब आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर इटसेल्फ होगा. एलिमेंटर हो गया, उसके बाद हम वो दूसरे प्लगइन को भी एक्टिवेट कर लेंगे ताकि हम
वो जो हमारे 100 ब्लॉक्स थे वो भी हमें मिल जाए। यहाँ पे आए और ये लें, हमें इसको भी एक्टिवेट कर लिया। इसको एक्टिवेट करने के बाद अगर आप चाहें तो ये इसका ज़रा गाइड पढ़ लें। गाइड सारी बात है, किसी भी चीज़ का जो गाइड होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। मैं आपको इसको काफ़ी हद तक कवर करवाने की कोशिश करूँगा, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आप कोई डिज़ाइन एक स्पेसिफिक लेआउट बना रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूँ। और अगर आप खुद, क्योंकि अगर आप एक बेहतर वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो स्टडी करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप उस चीज़ को सर्च करेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। और डेवलपर, मेन डेवलपर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, इनकी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया होगा ये चीज़। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इसके जितने हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वीडियो में साथ कर सकें कर लेंगे।